हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर। आज एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई है कि कल एक ब्रिज था, हैंगिंग ब्रिज था, मोरबी ब्रिज जो गुजरात में स्थित था, वो हादसाग्रस्त हो गया है। उससे कई लोगों की जान गई है ना, कई लोग घायल हैं, कई लोग लापता हैं जो अभी तक मिले नहीं हैं। तो इससे बहुत सा नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है, लगभग 132 लोगों की मौत हुई है, ये सूचना मिली है। तो लगातार रेस्क्यू टीम भी लगी हुई है राहत बचाव में, और आर्मी वगैरह सब लगे हुए हैं राहत बचाव के लिए। ऐसी कंडीशन में जिन लोग की जान गई है उनकी जान बहुत ही बहुमूल्य थी, भगवान उनके परिवार को इस हादसे को झेलने की शक्ति दे, भगवान से बस यही प्रार्थना रहेगी। और दोबारा किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना हो जिससे जनहानि हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्पस से। तो इसमें इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये मोरबी ब्रिज था, ये गुजरात में स्थित मच्छू नदी के ऊपर था, जो कि हैंगिंग ब्रिज था, है ना। और यह टूट गया जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों की मौत हो गई। जो मोरबी की शान कहलाता था ये ब्रिज, क्योंकि ये लगभग 143 साल पहले बना हुआ था, और ये केबल ब्रिज था, एक हैंगिंग ब्रिज था, ये झूलता हुआ ब्रिज था। जैसा ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला है, झूलता मतलब ब्रिज उसका झूलता हुआ है, उसी टाइप का ये भी एक ब्रिज था झूलता हुआ। ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा ब्रिज था, बहुत टूरिस्ट वगैरह आते थे देखने के लिए इसको। यह ब्रिज आज़ादी से पहले का बना हुआ था। ये ब्रिटिश शासन में मोरबी ब्रिज का निर्माण किया गया था। मच्छू नदी पर बना यह ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिज्म स्पॉट था, या टूरिस्ट स्पॉट था। देखिए, ये ब्रिज कब बना था? मोरबी के राजा बागजी रावजी के ने केबल ब्रिज या झूलता ब्रिज बनवाया था, जिसका उद्घाटन 1879 में किया गया था। इसका उद्घाटन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें कि इस ब्रिज का उद्घाटन किसने किया था। तो मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने इसका उद्घाटन किया था, और इसमें करीबन 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। ब्रिटिश इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था यह पुल, ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह पुल 765 फुट लंबा तथा 4 फुट चौड़ा पुल था, और यह एक ऐतिहासिक पुल था। देखिए, ये इस ब्रिज की जो इंजीनियरिंग थी, वो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना थी। ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा बनाया गया इस पुल को उन्नत इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना माना जाता था। इस पुल का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल बागजी ठाकरे की रियासत के दौरान किया गया था। बताया जाता है कि मोरबी ब्रिज के जरिए ही राजा राजमहल से दरबार तक जाते थे। इसमें ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप एग्ज़ाम पर्पज से बिल्कुल याद रखें कि ये कब बना था। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये 1879 में बना था, और कहीं कहीं पे इसका विवरण है कि ये 1880 में बना था। तो हम कह सकते हैं ये लगभग 150 साल पुराना मोरबी ब्रिज था, जिसका निर्माण राजा
सर बागजी ठाकरे ने करवाया था, स्पेशल ब्रिज का निर्माण करवाया था। देखिए उस टाइम इस टाइप के ब्रिज वगैरह नहीं ज़्यादा बनते थे, तो इसको कला एवं तकनीक का चमत्कार ही समझते थे लोग कि एक झूलता हुआ ब्रिज बना हुआ है। इस पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेंपल ने किया था। देखिए ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल याद रखें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था या कहाँ के गवर्नर द्वारा किया गया था, है ना, और कब किया गया था, तो ये बिल्कुल आप एकदम याद रखें इस पॉइंट को। और इस पुल के निर्माण के लिए जो सामग्री थी, आवश्यक सामग्री थी, वो कहाँ से, इंग्लैंड से आई थी। इस पुल का निर्माण लगभग 3.5 लाख रुपए में हुआ था, तो ये भी याद रखें कि इस पुल को बनाने के लिए सामग्री कहाँ से आई थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चलिए ये तो हो गया है मोरबी ब्रिज का इतिहास। अब हम जानेंगे कि हाल ही में इसका ठेका किस कंपनी के पास था और मरम्मत से, मतलब जब इस पुल की मरम्मत हुई थी तो उसके बाद बगैर परमिशन के इसको कैसे खोल दिया गया, तो क्या क्या कार्यवाही हुई उसके बारे में जानेंगे। ये जो मोरबी ब्रिज था इसका ठेका किस कंपनी के पास था, तो ये ओरेवा कंपनी जो थी, एक ओरेवा उसके पास था। ये ओरेवा कंपनी क्या करती है, दीवाल घड़ी बनाती है, और ओरेवा ग्रुप्स के पास इस ब्रिज का ठेका था। और हाल ही में ये घटना होने के कारण ओरेवा के अधिकारियों समेत 9 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें ओरेवा के 2 मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, सिक्योरिटी गार्ड और टिकट विक्रेता शामिल हैं। देखिए क्या हुआ था कि ओरेवा को मरम्मत के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन क्या हुआ कि इस कंपनी ने किसी और से ये काम करवा लिया, जिससे उसका प्रॉपर वर्क नहीं हुआ, उसको मेंटेनेंस उसका प्रॉपर नहीं हुआ, जिस कारण से वो ब्रिज गिर गया, इतने लोगों की डेथ हो गई। इस कारण से इन लोग को, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ये ब्रिज था, ये झूलता हुआ ब्रिज है, इस पे किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं है नीचे से, क्योंकि ये झूलता हुआ ब्रिज है, कोई प्लर वगैरह नहीं है इसके नीचे। और देखिए ये जो कंपनी थी ओरेवा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोरबी हादसे को लेकर रखरखाव करने वाली एजेंसी के खिलाफ 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है, और अभी से इसकी जांच जारी होगी। और जैसा कि हमने बता दिया है कि 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है ओरेवा कंपनी के, जो इसका ठेका लिए थे और उनका रखरखाव का काम था। गुजरात के सीएम ने भी इस पर बहुत दुख जाहिर किया है, भूपेंद्र सिंह पटेल, ये सीएम हैं गुजरात के, इसको भी आप याद रखें, भूपेंद्र सिंह पटेल, है ना। और गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। और पीएम मोदी जी ने भी इस पर बहुत दुख प्रकट किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कई आपको ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले होंगे जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।